भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ही बोलते हैं, तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। 2014 के बाद इस देश के अंदर एक मोदी वाशिंग पाउडर निकला है, मोदी वाशिंग पाउडर, वो चुटकियों में सारे दाग धुल देता है, चुटकियों में सारे दाग धुल देता है। उस मोदी वाशिंग पाउडर ने कहा अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला लगाया, आरोप लगाया, खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हसन मुश्रीफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। अशोक चौहान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। नारायण राणा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हेमंत विश्व शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। बीजेपी का नारा है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। जितने भ्रष्टाचारी हैं कहां हैं आज? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आप एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा इस बात की गारंटी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। सारे बेईमान कहां है आज? सारे बेईमान किस पार्टी में है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बीजेपी में, बीजेपी में। और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अभी हमारे भाई सीएलपी के लीडर कह रहे थे बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना आप लेके आए, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया। केजरीवाल जी प्रचार करते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। हेमंत सोरेन जी प्रचार करते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बुजुर्गों को पेंशन देंगे, आदिवासी समाज के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। भगवंत मान जी, अखिलेश यादव जी अपनी रैलियों में जाते हैं, तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में जाते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में जाते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? भाजपा ही शमशान बना सकते हैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल नहीं बना सकते, याद रखना, याद रखना। इसलिए आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का संदेश, उनके तरफ से धन्यवाद और आभार देने के लिए भी आया हूं। जब कोरोना के समय में दिल्ली के अंदर लोगों की जान जा रही थी, प्रधानमंत्री से हमने कहा ऑक्सीजन दे दो, प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दिया जलाओ कोरोना ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके झारखंड के मुख्यमंत्री के हम सब लोग एहसान मंद हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा दिल्ली वालों को ऑक्सीजन झारखंड की धरती से जाएगी, हम दिल्ली के लोगों को मरने नहीं देंगे। यह आपका एहसान हम भूले नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हमारी दो वीरांगनाएं यहां पर बैठी हैं। अरे जब घरों से हमारी माताएं बहनें लड़ने के लिए निकल पड़ी तो आप बताइए हम क्यों पीछे रहेंगे? पीछे रहेंगे क्या? हम लोग पीछे रहेंगे क्या? सीना तान के आगे बढ़ के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। कई बार भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, मोदी जी से ज्यादा काबिल नेता कौन है, मोदी जी से ज्यादा काबिल नेता कौन है? मैंने कहा अखिलेश यादव जी, भगवंत मान जी, केजरीवाल जी, या तेजस्वी यादव जी, या दीपांकर भट्टाचार्य जी, किसी से भी पूछ लो, कोई ये नहीं कहेगा कि नाली के गैस से चाय बन सकती है। कहेंगे क्या आप लोग? कहेंगे, कहेंगे मोदी जी क्या कहते हैं? नाली के गैस से चाय बना लो। बिहार में गए भाषण देने, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं, सिकंदर कभी बिहार गया नहीं। हमारे यहां गोरखपुर में गए, कहने लगे बाबा गोरखनाथ, संत कबीर, बाबा गुरु नानक देव एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे, तीनों के जीवन काल में पता नहीं कितने कितने सालों का अंतर है। मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। मैं कहना चाहता हूं अगर मोदी जी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी।